कक्षा नाइन्थ विषय संस्कृत, ठीक है। आप लोगों को संस्कृत में अव्यय ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, आप लोगों को संस्कृत में अव्यय ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? अव्यय ज्ञान के बारे में। तो अव्यय, आपको अव्यय और अव्ययों के अर्थ में आपको बता दिया। अब क्या है, अव्ययों के ऊपर आधारित वाक्य कैसे होंगे, जैसे पेपर में आपके लिए दिए हुए रहेंगे, वाक्य दिया हुआ रहेगा अहम और एक खाली स्थान, अहम खाली स्थान ग्रामम गच्छामि, ग्रामम गच्छामि, ठीक है, ये दिया रहेगा। अब आप लोगों को अव्यय ब्रैकेट में करके ऑप्शन में दिए रहेंगे, जैसे इति अपि यत और किम। अब इन चार अव्ययों में से कोई एक अव्यय यहाँ पे भरना है, वो कौन सा सही है ये देख करके आपको भरना है, ठीक है, ये आपको देखना है और उसके बाद में भरना है। जैसे अहम, अहम के साथ में इसका पूरा वाक्य का हिंदी अर्थ निकाले तो अहम ग्रामम गच्छामि, यानी मैं भी गांव जाऊंगा, तो भी के लिए क्या आता है, अपि, क्या आता है, अपि, क्या आता है, अपि, तो यहाँ पे अपि अव्यय भर देंगे, क्या आता है, अपि, तो अपि अव्यय यहाँ पे हम भर देंगे। अब दूसरा वाक्य है, वाक्य दूसरा कि जैसे आपको अगला उदाहरण करके बता रहे सह गायक, सह गायक, सह गायक गायति, सह गायक गायति। अब ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे देख ले आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उच्चे यावत तावत और इति। अब इनमें से चार अव्ययों में से कोई एक सही है। सह गायक गायति, गाने वाला क्या करता है, या तो जोर से गाता है या धीरे गाता है, तो उसके लिए अपने को दिया हुआ उच्चे, क्या दिया हुआ, उच्चे, तो यहां पे क्या जाएगा, उच्चे। तीसरा वाक्य लिख करके बता रहा हूं, जैसे तीसरा कि अगला है अपना, इसमें कर लेते हैं कि कोई भी अपने को अव्यय दिया रहे, जैसे कि आपको और बता देता हूं, पर्वत पहले ही खाली दे दिया, पर्वत संति यानी पर्वत है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया इति अपि यत और उच्चे। तो पर्वत होते हैं या पर्वत होते हैं, कैसे होते हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उच्चे अव्यय, क्या आ जाएगा, उच्चे। यदि आप इसको सरलता पूर्वक समझ ले तो बड़ी ही आसानी से कर सकते। तो जैसे अगला है ग्रामात उद्यानम अस्ति, यानी ग्राम से बगीचे हैं, गांव के, देखो गांव के बीच में तो बगीचे हो नहीं सकते, ठीक है, गांव के बीच में या किसी घर के आगे या घर के बीच में बगीचे नहीं हो सकते, या तो गांव से बाहर होगा, तो बाहर के लिए बही अव्यय का प्रयोग किया जाता है, किसका, बही। तो ग्रामात बही उद्यानम अस्ति, यानी गांव से बाहर क्या है, बगीचे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बही, तीन ऑप्शन दिया हुआ।
अगला है ज्ञानम न मुक्ति, यानी वाक्य बनता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ खाली स्थान पर कौन सा अव्यय आ जाएगा? विना अव्यय आ जाएगा। कौन सा अव्यय आ जाएगा? विना अव्यय आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान रखें कि बाकी आपको करना क्या है, कुछ बातें बता रहा हूँ। पहले और भी कल उदाहरण करेंगे, लेकिन कल आपको उदाहरण कराने से पहले आपको क्या करना है? अव्ययो का अर्थ याद करना है। क्या करना है? अव्ययो का अर्थ। यदि आपको अव्ययो का अर्थ याद होगा तो बाकी उदाहरण मैं आपको बहुत ही सरलता से समझा सकता हूँ। यदि इनके अर्थ याद नहीं होंगे तो वाक्य समझ ही नहीं पाएंगे किस प्रकार से बना हुआ है। तो इस बात का ध्यान रहे, आपको जितने भी अव्यय कराएं, सारणी बना करके मैं अव्यय कराया, उन अव्ययों का अर्थ आपको तैयार करना है। और कल और भी ज़्यादा उदाहरण मैं कराऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।